मुकेश कुमार पटेल 32 मार्क, संतोष कुमार 33.33 मार्क, महेश कुमार यादव 34 मार्क, मनीष कुमार दास 35 मार्क, सरोज शर्मा 35.66 मार्क, संजय कुमार यादव 36 मार्क, सरोज शर्मा 36 मार्क, सुरेंद्र पासवान 37.67 मार्क, गोविंद कुमार शाह 38 मार्क, राहुल कुमार शर्मा 38 मार्क, महेश कुमार शाह 38.67 मार्क, दिलीप कुमार बैठा यह 38 मार्क, रोशन कुमार 38.67 मार्क, सतीश कुमार 38.67 मार्क, दीपक कुशवाहा 39.67 मार्क, सुनील कुमार 39.33 मार्क, जीतू कुमार 40.67 मार्क, शंभू कुमार 41 मार्क, ललन कुमार देव 41 मार्क, महेश यादव 41 मार्क, राजेश कुमार 42 मार्क, श्रवण कुमार लालदेव 42.33 मार्क, अमरजीत कुमार 43 मार्क, रामनाथ 44 मार्क, रोहित कुमार नायक 44 मार्क। ले जाइए राजेश कुमार, ले जाइए और मुकेश कुमार। यह अरविंद पटेल 44.33 मार्क, हरे प्रकाश 45.34 मार्क, अनरजीत कुमार 45.67 मार्क, रमन कुमार 45.67 मार्क, राजन कुमार 46.33 मार्क। और आज के क्वेश्चन के हिसाब से ये सेकेंड कट ऑफ जारी किया जाता है, जो भी 50 से ऊपर लाया बहुत ही अच्छा मार्क माना जाएगा। यह केशव कुमार 50 मार्क, क्लैपिंग कीजिए। अवधेश कुमार यादव 50.66 मार्क, शिवम कुमार 50 मार्क, ये बिना नाम का है, ये विदाउट नेम का है, 54.67 मार्क है, एटम 92। यह पवन कुमार यादव 54.67 मार्क, काशी ठाकुर 55.34 मार्क, नवल किशोर यादव 55.67 मार्क, 7.67 मार्क, राहुल राज 62.66 मार्क, गजेंद्र कुमार यादव 65.67 मार्क। बताइए सर आज के क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन तो ठीक था सर, एग्जाम होने वाला है, कैसे तैयारी करें कुछ बताइए ऑडियंस को। साइंस पढ़िए जरा और मैथ जो पहले पढ़ी है रिवाइज कीजिए। ठीक है सर, के बातों पर ध्यान दीजिएगा। यह श्याम बाबू 66 मार्क। सर आज के क्वेश्चन के बारे में ठीक था क्वेश्चन सर, कोशिश कीजिए जो अच्छा नंबर लाए एग्जाम। साइंस अब ज़्यादा फोकस कीजिए, मैथ रीजनिंग ज़्यादा बनाइए क्योंकि मैथ रीजनिंग से नंबर बढ़ता है। हम तो साइंस बहुत दिन से नहीं पढ़े हैं, जब से NTPC दिए हैं मतलब बहुत दिन से नहीं पढ़े हैं, 6 महीना हो गया साल भर लग। 5 का चयन किया जाता है आज के 5वें पोजीशन पे, ICL 71.67 मार्क। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा सेट किया गया था और जो भी क्वेश्चन थे टाइम लगने वाला भी था, इजी भी था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन सेट किए हुए थे सर। जिसको अभी 50 से कम आया उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? वही सर, जो मैथ कमज़ोर है तो उसको प्रैक्टिस कीजिए और साइंस जो पढ़े हैं उसी को पढ़िए बार बार, उससे फ़ायदा होगा क्योंकि एग्ज़ाम होने वाला है, इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं है। जो आप नहीं आ पाइएगा वही है जो न्यूमेरिकल के फार्मूला देख लीजिए और साइंस जो पढ़े उसी पर ध्यान दीजिए। 4th पोजीशन पर है कुमारी सुराज 72 मार्क।
इसका निगेटिव है 18 मार्क है। आज के क्वेश्चन के बारे में ठीक था सर, क्वेश्चन लेकिन कन्फ्यूजन वाला था सर। आप कैसे आने का प्रयास कीजिए दरभंगा में रहते हैं तो, क्योंकि इससे बहुत ठीक हुबली है सर। हुबली एनटीपीसी में हुआ है? एनटीपीसी नहीं हुआ है, 3 में है 92 नंबर। रिशु सर आगे नेक्स्ट आ रहे हैं सर के लिए। बताइए सर आज के क्वेश्चन के बारे में। सबसे पहले भाई जी के लिए क्लैपिंग कर दीजिए। क्वेश्चन बहुत अच्छा था, लगभग क्वेश्चन ठीक था हमको लगता है। कैसे आएगा 10 दिन में? साइंस पढ़िए, क्योंकि साइंस में कुछ क्वेश्चन ऐसा है जो मतलब 10 दिन पढ़ने के बाद बनेगा आपसे, और मैथ रीडिंग का प्रैक्टिस करते ही रहिए। ठीक है, इनकी बातों पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आज के ऑल ओवर टॉपर है सुभाष कुमार, 76.33 मार्क। बताइए सर आज के क्वेश्चन के बारे में। आज का क्वेश्चन ठीक ठाक था। क्वेश्चन में सर कोई सुधार की जरूरत? सुधार नहीं है इसमें तो, ठीक ठाक मैथ भी सही था। बताइए सर, जिसका 50 मार्क से कम आया है उसके लिए आप बताइए कैसे तैयारी की? अब तो जो 3 साल से तैयारी करते ही आ रहे हैं, इसीलिए मतलब वो जो प्रैक्टिस होता है ना, वो कीजिए, सेट मारिए, जहाँ दिक्कत हो उसको 2-3 बार देखते रहिए। मतलब हम तो वैसे एक मारना जरूरी है, लेकिन हम तो 2 मार देते हैं, 2-3 पर डे मार सकते हैं हम। पर दिन में 3 सेट मार देते, कम से कम 3 सेट मार देते हैं। अभी कंपनी प्लेटफॉर्म का ही रहता है और इसके झाकर आता है, 2 रहता है। मैप पे सब्जेक्ट पे समय तो ऐसे डिसाइड हमको नहीं हो पाता है, एसपीडी यही दोनों पढ़ते हैं, यूट्यूब का गौरव सर का क्लास है वो देखते हैं। बोर्ड कौन सा है? तैयारी किए होंगे, अब सेट से ज़्यादा उसे सेट बनाइए, देखिए क्या होता है, कहाँ पे प्रॉब्लम है वो भी ठीक अभी क्या आ सकता है, 10 दिन बाकी है, कर सकते हैं। मुंबई सेंट्रल। नेक्स्ट